देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली, हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इन आरोपों से काफी दुखी हूं, मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया, मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि मैंडेट तो इससे पहले भी मिल चुका है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ साथी रूप से आपकी हार हुई, वो भी इन आरोपों के बाद ही चुनाव हुआ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुतर्कों की आ रही, कुतर्क के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं सोच रही। क्या वो चुनाव अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव था? वो चुनाव देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए था, और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के ना दावेदार थे ना उम्मीदवार थे, तो वो एक अलग चुनाव था, ये एक अलग चुनाव है। पिछली तीन बार से दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट देती है और विधानसभा में तीन सीटें देती है, आठ सीटें देती है, तो भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई मानी। जिम में नवंबर में चुनाव कराए जाने की वकालत की उन्होंने इसकी मांग की, आपको लगता है कि विधानसभा भंग किया जाना चाहिए? अब आप लोग की तरफ से क्या प्रस्ताव जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा ही कहती है चाहे फैसला कोर्ट का हो या जनता को तुरंत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केंद्र सरकार और सीबीआई जानबूझ के इस फैसले को रोक रही है, ट्रायल शुरू नहीं कर रही है, दो साल हो गए अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई। केंद्र सरकार चाहती है ट्रायल शुरू ना हो, फैसले ना हो, विधानसभा भंग किया जाएगा ताकि जल्दी। ये हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं केंद्र सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, हम इंतजार करेंगे। अभी मुख्यमंत्री के को चुनने की जो बात है कि पीएससी की मीटिंग सभी विधायक दल की बैठक होगी, क्या चुनेंगे विधायक या मंत्री, उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, इसके बारे में अभी कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं हुई है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी, और हम विधायक मंत्री या जो मुख्यमंत्री बने उस सबका सिर्फ एक ही ध्येय होगा कि कैसे जनता की अदालत में इस अग्नि परीक्षा को पार करके अरविंद केजरीवाल जी को उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा। कई राज्यों में ऐसा दिखा दीजिए चाहे सीएम बने चुनाव के बाद जो परिणाम है उसके बाद कई काफी बदले हुए दिखे, आपको लगता है कि ऐसा कुछ ऐसी कोई आशंका है? ये तो अरविंद केजरीवाल का अपनी जनता के ऊपर भरोसा है, अरविंद केजरीवाल रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जिन्होंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के 10 साल तक झुकी झोंपड़ियों के अंदर काम किया, उन्हें नहीं मालूम था कि आम आदमी पार्टी बनेगी तो मुख्यमंत्री बनेगी, उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल रिस्क लेते हैं, अरविंद केजरीवाल जनता के ऊपर फैसले छोड़ते हैं, जनता जो सोचेगी वो अरविंद केजरीवाल।